साथियों कहते हैं कि जल की ना टूटे लड़ी, जल बचा ले घड़ी दो घड़ी। और मेरा मानना है कि इस कायनात में जल से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने अभी आरओ लगवाया। वैसे हमारे यहाँ जो पानी था पीने योग्य, लेकिन इतना डरा दिया गया तो मैंने भी आरओ लगवा लिया। लेकिन पता लगा कि एक आरओ में 8 से 10 लीटर पानी बनाने में 20 से 25 लीटर पानी बर्बाद होता है। और फैशन भी है और स्वास्थ्य की भी दृष्टि से लोग आरओ लगवाते हैं। तो मैंने क्या किया, अब मैं ये किस कंपनी का आरओ है, मैं यहाँ किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। कोई भी आरओ है तो जो उसका वेस्टेज पाइप है, तो मैंने उसको एक हमारे पास ड्रम है और उस ड्रम में मैंने बड़ा सा ड्रम है जिसमें 10 या 15 लीटर पानी, 20 लीटर लिखा भी है, 20 लीटर पानी आता है। तो मैंने इसमें एक नीचे टैप भी फिट कर दिया है। अब वेस्टेज पानी से ये भर जाता है, वैसे एक बार में ये फुल भर जाता है, फैलने भी लगता। मैं थोड़ा बड़ा लाने वाला हूँ, यानी 8 लीटर पानी बनाने के लिए 20 लीटर से ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। और मैं इस पानी को यहाँ टैप लगा दिया बाल्टी में, जब ये भर जाता तो मैं यहाँ पर इसको उठा लेता हूँ और इस पानी से मैं कपड़े धुल लें और पौधों में डालने में इसका प्रयोग करता हूँ। क्योंकि 8 लीटर पानी प्रयोग करने में अगर 25 लीटर पानी बर्बाद होता तो बड़ी मात्रा है। और मैं तो सोच कर हैरान रहता हूँ कि बड़े बड़े जो प्लांट लगे हैं आरओ के, उनका पानी सीधा नाली में बहते देखता तो मेरा तो कलेजा फट जाता है। खैर, अब मैं इस पानी को भर लेता हूँ जब, और इसको मैं यूज करता हूँ। आप भी अगर आरओ का प्रयोग करते हैं तो प्लीज़ उसको नाली में बहाने की बजाय कुछ इस तरह की जुगाड़ बनाइए कि उस पानी का प्रयोग आप कर सकें। बस ये पीने योग्य नहीं है, बाकी कपड़े धुलने, पौधों के लिए, किसी गाड़ी धुलने में हर जगह काम आता है। यदि आपने 25 लीटर भी पानी बचाया, एक दिन में 8 लीटर पानी का खर्चा है, 25 लीटर बर्बाद होता है, तो आप जीवन में बहुत सारा पानी बचाइए। और जल बचाने के लिए अगर आप अपने को शिक्षित पढ़ा लिखा मानते हैं तो प्लीज जल बचाने में ये कार्य जरूर करिए। अगर आरओ लगवाया है उसका जो वेस्टेज पानी, उसको बर्बाद मत होने दीजिए।